कृपा ऐसी रहे भगवान की कि चार चोर चोरी करवे को न करे, सो उन्हें कहूं जगह न मिली वे भगत के घर ही में घुस बैठे। और जो ही उन्हें खेचा तानी देखी बोले भैया रुक जा, चोरी रोज करता है लेकिन ऐसो सर्कस आज तक न देखो, पहले जाए देख। अब चारों चोर खड़े हैं, खेचा तानी हो रही है। अब भगत जी ऊपर वाई से बोले के भले मास तू ही छोड़ दे। ऊपर वाई ने नेक चुटिया ढीली करी, सो भगत जी नीचे गिरे। अब खेचा तानी भूल गए, उनने जो ही कोने में चोर देखे चिल्ला लगे भैया चोर। और जो ही चोर चोर चिल्लाए तो गांव के लोगों ने चारों चोर पकड़ ले। अब चारों चोर जब पकड़ ले तो ये फैसला कहां पहुंचा, अदालत में जज के सामने। अब एक कटघरा में भगत जी बंद और एक कटघरा में चारों चोर बंद। जस्सा बोले कहिए भगत जी, हाँ जस्सा, ये चारों बैठे चोरी करने गए। ये चोरी करे तो आज ने चोरी करने पाई तुम तो हमें कुछ पकड़वा लो, ऐसा करियो कोई सी सजा दो को हमें पूछ के ही देना। जस्सा इन्हें फांसी दे दे। ना ना ना, फांसी बंदो इन्हें, इन्हें के दूध पे ब्याह करवा दो, चचर रसगुल्ला खपा दो, सोई हमारे मन की। चारों चोर कोने तक हाथ जोड़ के बोले जज साहब हमें फांसी दे दो। क्यों? अरे हमने अच्छी अच्छी डकैती डाली, अच्छी अच्छी चोरी करी और आज तक हम का उन्हें पकड़े ना पाए। और पकड़े गए तो जब दुद्धे ब्याह के चक्कर ही में तो पकड़े गए। सुरानी सुनीति तू मेरी दूसरी शादी करवा दे, दूसरी शादी करवाएगी सुरानी तेरी बर्बादी हो जाएगी।